हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रस्ट रंजना। और बहुत समय के बाद मैं एक फुल वीडियो लेके आ रही हूँ। अभी तक मैं शॉर्ट्स बना रही थी और आपने मेरे कई सारे शॉर्ट्स भी देखे, लेकिन मैं यहाँ पर फुल वीडियो लेकर क्यों नहीं आ रही थी, तो इसका रीज़न है कि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और मैं फीवर और कफ एंड कोल्ड से सफ़र कर रही थी। अब यहाँ पर जाकर मेरा हेल्थ अच्छा हुआ है, तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं आखिर एक मैं अच्छा सा फुल साइज़ का वीडियो लेकर आती हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत वर्क करने वाला टॉपिक है, तो आज इस पर बात करेंगे। तो आपको मेरे फेस से भी समझ में आ रहा होगा कि आई एम नॉट सो गुड सो वेल, और दैट्स वाई थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो फटाक से बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि हम कैसे लंबे समय तक यूथफुल रह सकते हैं, यानी कि यंग रह सकते हैं। तो है ना मज़ेदार टॉपिक। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी लंबे समय तक यूथफुल रहें? तो ऐसा सब लोग चाहते हैं, कुछ लोग मुंह से बोल देते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस भावना को दिल के अंदर ही रख देते हैं, और लेकिन अंदर अंदर ही वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे अगर ये इंसान 40 की उम्र में 30 का लग रहा है, तो मैं 30 की उम्र में कैसे 40 का लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो ये ऐसा क्या करता है जो कि मैं नहीं करती हूँ और जो मुझे करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं अपनी उम्र को वहीं थामने के लिए, यानी कि थोड़ा सा और यूथ को इंजॉय करने के लिए, थोड़े लंबे समय तक यूथ को एंजॉय करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो बस कुछ अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस करने, और उसके बाद आप भी देखेंगे कि कैसे आप मज़ेदार तरीके से अपने यूथ को एंजॉय करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ, आ जाइए फटाफट वीडियो में। तो इंसान को अगर कुछ चीज़ बूढ़ा बनाती है ना समय से पहले, तो वो क्या होता है, उसका स्ट्रेस, उसकी चिंता। तो हम लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी कि जो चिंता है वो चिता के समान है। तो ये वाकई में सही है कि जितना ज़्यादा आप वरीड होंगे, जितना ज़्यादा आप चिंतित होंगे, उतने ही ज़्यादा उसकी साइड इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट होंगे। तो फिज़िकल और हर तरह के हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले है कि चिंता को कैसे हमको दूर करना है और अपने आप को कैसे हमको उन सब चीज़ों से बचा के रखना है। तो गाइज़, अब बात करती हूँ नंबर टू के ऊपर। तो नंबर टू, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जैसे बात भी किया है और मैंने बताया भी है कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो हमारा पानी पीने का तरीका बहुत सही नहीं है। तो अब जाके मेरा वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कि पानी का इनटेक कैसे करना है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इतना बता देती हूँ कि जब भी आप अपना मील लेने वाले हैं, उससे 40 मिनट्स पहले आप पानी का इंटेक करिए। और मील लेने के दौरान तो आप चलो थोड़ा बहुत पानी कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अपना खाना फिनिश करते हैं उसके तुरंत बाद आप पानी मत पीजिए। कम से कम हाफ एन आवर आप वेट करिए और उसके बाद आप पानी का इंटेक करिए। तो ये कुछ छोटे छोटे से चेंजेस आपको अपनी लाइफस्टाइल में करने हैं, उसके बाद आप अपने स्किन में हर एक चीज में इंप्रूवमेंट देखेंगे, आपको लगेगा। एक समय तक आप इसको जब फॉलो करते आएंगे तो वाकई में आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये आप करके देखिए। अब बात करते हैं नंबर थ्री के ऊपर। नंबर थ्री है कि हमारा आजकल का जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत बिगड़ गया है सबका, क्योंकि हम लोगों का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ना तो सोने का टाइम है ना तो उठने का टाइम है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित समय पर आपको अपनी स्लीपिंग क्लॉक को सेट करना पड़ेगा। आपका माइंड को एकदम इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि ये जो आपका टाइम है, जैसे ही घड़ी में मान लीजिए 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, या जो भी आपका टाइम है, कि ये मेरे सोने का टाइम है, तो उस समय आपको अपने बिस्तर पे होना चाहिए, आप अपनी स्लीप लीजिए। और एक उठने का भी टाइम आप डिसाइड करिए कि इस टाइम पे आपको उठना ही उठना है, क्योंकि हमने अपने माइंड को कंफ्यूज करके रखा है। कभी कभी हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम 6 बजे उठ रहे हैं, कभी हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं कि हम जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं। तो हमने अपने माइंड को पूरी तरह से कंफ्यूज करके रखा है। तो एक निश्चित उसका टाइम क्लॉक सेट करिए और फिर देखिए चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और इसको आप अप्लाई करके देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर फोर की, बात करती हूँ अब मैं कि हमने मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, और मेरे अंदर खुद के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा लेती हूँ। तो जो भी हम चीनी या हम नमक खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। तो अपने खाने में कोशिश करिए ना तो नमक ज़्यादा हो और ना ही नमक कम हो पाए।
तो हमें अपने खाने में ध्यान देना है कि ना तो चीनी ज़्यादा हो ना तो नमक ज़्यादा हो, दोनों की क्वांटिटी मतलब बराबर रहनी चाहिए कि बहुत एक्सेस में दोनों ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नमक बहुत तेज़ खाते हैं, जैसे कि मैं उसमें से हूँ, मुझे इसके ऊपर खुद को मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ इसके ऊपर। जो लोग चीनी कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, मीठा कुछ, उनको अपने मीठे के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि उनको जो मीठा है वो भी एक लिमिट में खाना है। तो दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना तो मीठा ज़्यादा होना चाहिए ना तो नमक तेज होना चाहिए। इसको एक बराबर और जितना एक मापदंड निश्चित किया गया है एक व्यक्ति के लिए, उतना ही आपको इसको लेना चाहिए। अब बात करती हूँ नंबर 5 के ऊपर। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात किया है कि हम लोगों को सांस कैसे लेना है, उस पर भी अभी तक हम लोग प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं पूरे दिन। जैसे मैं फिर भी कहती हूँ, हम स्टमक से हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुबह के समय हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कुछ सांसें मॉर्निंग में अपने स्टमक से लें। और ये जो हमारी बहुत सारी जो बीमारियों को हील करने का काम करता है और हमको हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि जो समय के साथ साथ हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमको अपने स्टमक से ब्रीथ करना है। तो कोशिश कर याद कर सुबह का सिर्फ 10 मिनट निकाल के हमको, या दिन में कभी भी समय मिल रहा है, शाम को मिल रहा है या फिर बिजी शेड्यूल है, जब भी आपको समय मिल रहा है, कोशिश करना है कि हम अपने स्टमक से ब्रीथ करें, सांस लें ऐसे करके, ना कि चेस्ट से लें। तो बस कुछ सांसें लेनी है और उसके बाद रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अब बात करती हूँ नंबर 6 के ऊपर। 6 के ऊपर अगर मैं बात करूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत वरीड रहते हैं, परेशान रहते हैं, और कुछ चीज़ें हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए, टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर अपने आप को कर देना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति, जैसे मैं मानती हूँ कि हाँ ऊपर एक यूनिवर्स है जो हम सबका ध्यान रखता है, तो आप कोई भी अगर गॉड को मानते हैं, आप किसी भी चीज़ को मानते हैं, आपकी जिस भी भगवान में आस्था है, उसके ऊपर अपने आप को छोड़ दीजिए कि ठीक है अब तो ये मुझसे नहीं हो रहा। प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर कि ये चीज़ करने के लिए, कि बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, अंदर से भी, सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी कोशिश करके और उसके ऊपर छोड़ देना है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे नहीं संभल रहा है, आप इसको आप ही संभालोगे और अब इसको आप ही हैंडल करोगे। तो उसके ऊपर आपको सब कुछ छोड़ देना है और एकदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ छोड़ देना है कि वाकई में अब जो चीज़ आप नहीं संभाल पा रहे हैं, वो चीज़ जो आपका ईश्वर है या जिस पे आपकी आस्था है, ऐसी प्राकृतिक आदर्श शक्ति जो कुछ भी है, वो उस चीज़ को अब आपके लिए संभाल लेगी। तो एक सेंटेंस में कहूँगी मैं, जो सब लोग अगर समझ सकें इस चीज़ को, कि बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखिए। हैं 7 नेक्स्ट के ऊपर, 7th पॉइंट के ऊपर, कि स्लीप प्रॉपरली, एटलीस्ट 6 to 7 आवर की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारी नींद पूरी हो। क्योंकि एक समय के बाद जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो जैसे ये मैंने खुद के साथ भी मतलब फील किया है कि कई बार जब हम हर एक चीज़ को करते हैं तो कुछ समय के बाद हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपकी बॉडी खुद डिमांड करती है कि आपको रेस्ट चाहिए। तो ऐसा हो, एनर्जी ड्रेन आउट हो, उससे पहले ही समय समय पर अपनी अच्छी तरह से 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करते रहिए, जिससे कि आप इंटरनल भी हील होंगे और ऊपर से भी तरोताज़ा और फ्रेश लगे। बैकबोन का आपकी जो लाइफ में, आपके यूथ में कितना रोल है, क्या ये आपको पता है? मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का, और आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे रिसेंटली अभी 1 से 2 महीने हुए हैं, मुझे तब पता चला कि इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है हमारी लंबे समय तक यूथ को बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर जो चीज़ मुझे पता चली है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ ट्रस्ट पे आप ट्रस्ट कर रहे हो और आपको उसको ट्रस्ट का फ़ायदा ना मिले, तो ये तो गलत बात होगी। तो मुझे ये चीज़ आपसे शेयर करनी है। तो ये भी मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अगर आपका बैकबोन स्ट्रेट रहता है तो आप लंबे समय तक यूथफुल रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉपर पोस्चर हो आपका, अच्छे से बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठे, नॉर्मली, बहुत स्ट्रिक्टली और ज़बरदस्ती नहीं, और उसको आराम से स्ट्रेट करके बैठने की कोशिश करनी चाहिए,
क्योंकि एक्चुअल में माई हाइट इज़ 5'6" तो मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ। जितनी टॉल हाइट की लड़कियाँ होती हैं वो अपने चाइल्डहुड से ही उनका एक कोशिश रहती है, क्योंकि वो और लोगों से जब वो बैठते हैं ना थोड़ा सा टॉल लगते हैं और दूर से दिखाई देते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है अपने आप को समेटने की एक्चुअल में। तो मैं ये बच्चियों के लिए कहना चाहती हूँ कि कैरी योर ओन हाइट, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू गॉट फ्रॉम गॉड, और उसको वैसे ही अवेल करिए। स्ट्रेट प्रॉपरली बैठिए, डोंट हाइड योर हाइट, उसको कोशिश मत करिए, क्योंकि आप वैसे भी अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे। आपको पर्सनैलिटी ऐसी मिलेगी दूर से ही वो दिखाई देता है, तो आप जितना भी झुक के बैठेंगे इससे आपका पॉस्चर खराब होगा और उसके साथ में कि आप लंबे समय तक यूथ को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। कैरी योर ओन हाइट, डोंट हाइड योर हाइट, ओके? तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपको इस चीज़ का वाकई में फ़ायदा मिलेगा। अगर इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है और आप लोग आपके चेंज फील करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके किसी काम आ पा रही हूँ। अगर मैं आपको कुछ नॉलेज जो मेरे पास है वो प्रोवाइड करा पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे होने के लिए बेस्ट मेरा पार्ट है कि मैं उसको स्प्रेड कर पा रही हूँ चीज़ों को और लोगों तक। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्दी ही किसी अच्छे से व्लॉग में, या किसी अच्छे से हम अपने इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, आई लव यू ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी ही।